नमस्कार, जोहार सभी साथियों का। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। कैबिनेट की आज मीटिंग है और मुझे लगता है कि आज की कैबिनेट मीटिंग इम्पॉर्टेंट है छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर के भी, और जो आपका शिक्षक वाला कोर्ट में फंसा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चाएँ ज़रूर होगी। जो भी इम्पॉर्टेंट निर्णय लिए जाएंगे आपको मैं डेफिनेटली अपडेट करूँगा, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आपको अपडेट कर ही दिया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर हो सके तो शेयर भी करिए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि बहुत सारे दोस्त लगातार मैसेज और कॉल कर रहे हैं अपनी तैयारी को लेकर के कि कैसे आगे प्रोसीड करें, उनको समझ में ही नहीं आ पा रहा है। तो अब अभी भी अगर आप इस जंजाल में फंसे हुए हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत होने वाला है, ठीक है। इतने सालों से आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर 2021 से भी तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल हो गए। अगर इस 2 साल की मेहनत को आप लास्ट टाइम पे अपनी गलतियों की वजह से आप चूक जाएंगे तो आपको अफसोस होगा, ठीक है। मैं अपने साइड से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आगे आपके आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको फॉलो करें या ना करें। जिनकी पढ़ाई हो रही है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जिनकी नहीं हो रही है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अभी के टाइम पर आप लोग सब्जेक्ट्स को मिक्स मत करिए, ठीक है। आज से लेकर के 15 तारीख तक आप लोग क्या करिए कि एक एक दिन दे दीजिए या फिर 2 दिन दे दीजिए एक सब्जेक्ट को। जैसे कि कंप्यूटर है, बहुत सारे लोगों का कंप्यूटर मिस हो रहा है, ठीक है। लैंग्वेज है, झारखंड है, साइंस है, तमाम चीज़ों को देखने के चक्कर में कभी कंप्यूटर मिस हो जाता है, कभी करंट अफेयर्स मिस हो जाता है। तो क्या करिए, पूरा का पूरा एक दिन या 2 दिन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को डेडिकेट कर दीजिए कि इन 2 दिनों में मैं कंप्यूटर की 20 नंबर की तैयारी अच्छे से करूँगा। चाहे आप यूट्यूब से करें, किताबों से करें, अपने नोट्स से करें, जहाँ से भी करना है उसी प्रकार से। फिर एक दिन पूरा करंट अफेयर्स को दे दीजिए कि आज करंट अफेयर्स सारा रिवाइज कर लेना है जितना हो सकता है। एक दिन अगर आपको कम लगे तो उसमें भी 2 दिन दे दीजिए। फिर एक दिन आप लोग साइंस को इसी तरीके से पूरा का पूरा दिन साइंस के लिए डेडिकेटेड रहेगा आपका। तो इस तरीके से आप लोग 15 तारीख तक करिए, ठीक है। अगर इस चीज़ को करेंगे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई करने में। लेकिन अगर आप ये सोच करेंगे कि आज मैथ्स ही बनाना है, रीजनिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा कंप्यूटर भी देख लेते हैं, तो ये जो मिक्सिंग हो जाएगा ना, तो फिर वो मिक्सिंग के बाद फिर से आपका वही मन कंटिन्यू करेगा कि अरे समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। तो इस उधेड़बुन से जितनी जल्दी आप निकल जाएंगे आपके लिए बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। बाकी रीजनिंग के लिए जो लोग पूछते हैं, आप लोग जो सेट सॉल्व करते रहते हैं ना, वहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करते होंगे, वही काफ़ी है। रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है। हाँ, अलग अलग से कैलेंडर कभी एक दिन देख लिए, कभी क्लॉक देख लिए, ठीक है। इस तरह के जो टॉपिक हैं जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको अलग अलग से कभी टाइम दे दे करके बीच में देख लिया करिए, रीजनिंग के लिए काफ़ी है उतना, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जो देना था, आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद वही था कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो झारखंड की है उनको आरक्षण दिया जाएगा और उनको OBC कैटेगरी में रखा जा रहा है, ठीक है। OBC को आपको पता है कि 6% 8% ब्रेक किया हुआ है, इतना ही आरक्षण दिया जाता है। अब इसमें ट्रांसजेंडर को भी एडजस्ट किया जा रहा है। अब ये फैसला कितना स्वागत योग्य है ये तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शोषित है और काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड है, ठीक है। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को कम से कम SC कैटेगरी में रखना चाहिए था। मेरे हिसाब से आरक्षण भी वहाँ ज़्यादा है, शायद उनको ज़्यादा लाभ मिल पाता, लेकिन सरकार की अपनी सोच है, कुछ सोच के उन्होंने रखा होगा। वैसे स्वागत योग्य कदम है कि अगर आप आरक्षण दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि कुछ उनका सशक्तिकरण हो सकेगा, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके एक और चीज़ मुझे बताइएगा, एक तो आप इस फैसले का स्वागत करते हैं नहीं करते हैं ये तो अलग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये बताइएगा कि आज की डेट में आप लोग कितने लोग हैं जिनको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब वो एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयार हो चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा उनके मन में घबराहट नहीं है, अब अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अब मैं प्रिपेयर हूँ, अगर एग्ज़ामिनेशन 1 सप्ताह में हो जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से बैठूँगा और जो मेरा बेस्ट है मैं दे करके आ जाऊँगा। कितने लोग अभी इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, अंदर से उनको ऐसी आवाज़ें आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपनी पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू करिए, ठीक है। कंपटीशन टफ होने वाला है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। रिज़ल्ट की चिंता मत करिए, जो भी होगा वो देखा जाएगा बाद में, जो भी होगा, लेकिन अभी आपका जो कर्म है
ठीक है, गीता उता सब जगह लिखा हुआ, आप सब जानते हैं कि अपना जो कर्म है उसको करते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार बोलना सही नहीं लगता है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को, ठीक है, लाइक करने से वीडियोस की रीच बढ़ती है, ठीक है, तो लाइक प्लीज़ किया करिए जो भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।